नमस्ते केमचो एंड वेलकम टू चैनल, मुझे कहते हैं अरमी और मेरा नाम है माही। आप देख रहे हैं ब्लास्ट रिएक्शंस और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं, बताओ। ये तो मुझे नहीं पता बट मुझे इतना पता है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, व्हाटएवर यू वांट। साथ में इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी अपनी पसंदीदा वीडियो बता सकते हैं। सो सब्सक्राइब करें बगैर ना जाया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो वैसे ही पता चले, और बेल आइकन को हिट जरूर कर दें ताकि आपकी जो रिक्वेस्ट हो आप कब हम अपलोड कर रहे हैं आपको फटाफट से पता चल जाए और आप फटाफट देख लो। हाँ, और दिस वीडियो इज अगेन सो दिस वीडियो तो पहले ही आप चैनल को सब्सक्राइब सो दिस वीडियो एंड लाइक कर दें वीडियो को। अच्छा, दिस इज द गंगूबाई न्यू वीडियो और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा अजय देवगन एज राहिम लाला। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा सा एक क्या कह सकते हैं उसको टीजर कह सकते हैं वट एवर, बट उनको ट्रेलर में भी इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया और वो टीजर में भी इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, सिर्फ उनका फेस दिखाया गया थोड़ा बहुत, बट इसके अंदर टोटली उनको जो है वो टोटली डेडिकेटेड टू आलिया भट्ट गंगूबाई, क्योंकि मेन लीड जो होती है, मेन कॉन्सेप्ट गंगूबाई का इसलिए, लेकिन इसके अंदर उनका रोल दिखाया गया है कि उनका किस तरह का रोल है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, लाइक अजय देवगन ओवरऑल, सो वी आर वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स वॉच दिस। जो अजय देवगन है उनका क्या रोल होने वाला है, ये बेसिकली मुसलमान है और दोनों ही अपने धर्म के पक्के हैं, आलिया भट्ट भी और वो भी, और वो अपने धर्म के काफी ज्यादा मतलब लाइक मुसलमान है तो काफी ज्यादा उस चीज के पक्के हैं, और गंगू भाई जो है वो उनकी हेल्प लेने इसलिए आई हैं क्योंकि उनको उन पे ट्रस्ट है मे बी, और उन्होंने उनके बारे में सुना है। पहले हम लोग पहले ऐसे ही हम लोगों ने वो एक लगा दी थी कि ये जो है इनके राइवल भी हो सकते मतलब हैं, राइवल भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, बट इन्होंने मतलब इनका जो हाँ इनका कैरेक्टर मतलब इनका जो राहिम लाला है बेसिकली काफी फेमस है अपने एरिया में, इसी वजह से गंगूबाई उनके पास गए इनके उनकी हेल्प ले सके, और उनको बोला है कि हम औरतों के लिए मैंने लड़ाई लड़नी है तो आप 4000 में भी 4000 तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मतलब मैं आपके साथ हूँ और 4000 औरतों की जगह तो मैं बिल्कुल साथ हूँ, और ये वो, और दोनों जो है वो बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। हाँ ऐसा ही है, और साथ में अजय देवगन की बात करें तो उनको एक मुसलमान वाला कैरेक्टर दिया है, प्लस उनके नाम के साथ राहिम लाला लगा हुआ है तो, और उनको एक परफेक्ट एक उस तरह की वो टोपी बनाई हुई है, लाइक कायदेदम टाइप टोपी लग रही है, जैसे जिना कैप होता है। हाँ, जिना कैप की तरह कुछ लग रहा है वो, एंड आई डोंट नो उनका नाम वो रहीम एंड लाला जो है आगे, बट मे बी जो मतलब ये गंगूबाई से ट्रू स्टोरी ना, तो ट्रू स्टोरी रियल में मुसलमान होगा कोई बंदा, रियल में जो हेल्प होगी, हाँ रियल में जो कैरेक्टर है उसी का नाम अजय देवगन को दिया गया होगा। हाँ आई थिंक सो, क्योंकि आलिया भट्ट को भी गंगूबाई वही नाम दिया गया जो गंगूबाई का ओरिजिनल नाम, मतलब उनकी हेल्प किसी मुस्लिम ने की होगी उनका नाम यही होगा। हाँ ओके, क्योंकि हिस्ट्री में इसी तरीके से लिखा होगा इसी वजह से उनको ये नाम दिया गया, मे बी आई थिंक सो। सो ओवरऑल दिस टीजर इज रियली गुड, रियली नाइस, इसमें हमें डीपली देखने को मिला कि अजय देवगन जो है इसमें समझ में आया। हाँ मतलब एक सेकंड में, दो सेकंड में इसमें हमें टीजर में समझ में आया कि वरना एक दो मतलब एक दो सेकंड का जो टीजर होता है उसमें इतनी कोई स्टोरी रिवील नहीं होती, बट आई थिंक सो
उन्होंने टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया है, तो इस टीजर का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो उनके फैंस को पता चले कि उनका गंगूबाई में क्या कैरेक्टर है और वो किस तरीके से अपनी जो स्क्रीन परफॉर्मेंस है वो देने वाले हैं। तो उनको क्योंकि ट्रेलर में इतनी स्क्रीन टाइमिंग नहीं मिली थी, इस वजह से उनके लिए अलग से जो है वो रिलीज किया गया है। आई थिंक मतलब आलिया भट्ट इज वन ऑफ द पॉपुलर एक्ट्रेस एंड ऑन द अदर हैंड अजय देवगन सर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर तो उनको स्क्रीन टाइम की वैसे भी जरूरत थी और उनका कैरेक्टर भी कुछ इस तरह का जरूरत थी और उनके फैंस ये चाहते थे कि उनका कैरेक्टर जो है वो अलग से उनको मतलब वो डिजर्व भी करते हैं कि उनका अलग से एक चीज रिलीज की जाए और उनका कैरेक्टर को जो है मोर क्लैरिटी दी जाए, लोगों को समझाया जाए, क्योंकि उनके उनके जो इंडिया की मुझे लगता है कि ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसी तादाद है जो अजय देवगन को पसंद करती है और फिल्म देखने जब भी उनकी फिल्म आती है उनकी फिल्म देखने जाती है या फिर अगर इंटरनेट पे या किसी ओटीटी पे रिलीज होती है तो वहाँ भी वो लोग सब्सक्रिप्शन लेके अजय देवगन की फिल्म देखते हैं। कुछ सीनियर्स ऐसे भी होंगे जो अजय देवगन सर की वजह से ही मूवी को देखने वाले हैं, उनको आलिया भट्ट पसंद है नहीं है लेकिन वो उनकी वजह से देख रहे हैं। सीनियर्स भी और कुछ सीनियर्स को आलिया भट्ट हो सकता है पसंद ना हो लेकिन अजय देवगन सर जो है बिल्कुल क्योंकि वो काफी सीनियर है। इसके अलावा ऐसे मतलब यंगस्टर्स भी ऐसे हैं जिनको अजय देवगन पसंद है, मतलब यंगस्टर्स में भी ऐसे लोग हैं और यंगस्टर्स को आलिया भट्ट भी बहुत पसंद है। आलिया भट्ट का मे भी थोड़ा ज्यादा हो क्योंकि आलिया भट्ट की फिल्म्स आजकल ज्यादा आती हैं और यंगस्टर्स में ज्यादा वो पॉपुलर है राधर देन बिल्कुल क्योंकि वो एक सीनियर एक्टर है तो पहले उनकी फिल्म्स बहुत ज्यादा आती थी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज होती थी। बात करें पर्टिकुलरली इनकी परफॉर्मेंस की इस मूवी के हवाले से, मतलब इस टीजर के हवाले से जो हमें दो तीन डायलॉग्स देखने को मिले, बट अ ग्रेट टाइमिंग एंड डायलॉग्स डायलॉग डिलीवरी जो इनकी हो रही है इनके फेस के साथ इनके एक्सप्रेशन के साथ टोटली मिक्स एंड मैच लग रहा है, अच्छा लग रहा है इनका कैरेक्टर। और जो डायरेक्टर है उनकी भी सोच कमाल है कि दोनों तरह के सीनियर और जूनियर को का कॉम्बो करके उन्होंने दोनों तरह की ऑडियंस को टारगेट किया है, मतलब जो सीनियर सिटीजन है यानी जो सीनियर है थोड़े से मिडिल हैं उस तरह के हैं, जो अजय देवगन फैंस हैं वो भी आएंगे सिनेमा में और जो आलिया भट्ट के फैंस हैं वो भी आएंगे सिनेमा में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी तरह सोच के इसको बनाया गया और स्टार मतलब जो कास्टिंग है वो काफ़ी अच्छे से की गई है और काफ़ी सही की गई है। अच्छा अजय देवगन के लिए इतना चैलेंजिंग होगा बट इतना नहीं होगा क्योंकि he has done so many roles with different variations and all, वो बहुत सीनियर है उनको तो प्रैक्टिस ही है, उन्होंने हर तरह का रोल किया है चाहे वो सैड हो, हैप्पी हो, रोमांटिक हो, फाइटिंग हो, बट आलिया भट्ट के लिए इज गोइंग टू बी अ बिग लाइक दूसरी चीज ये कि जब लोग सिनेमा में जाएंगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा आलिया भट्ट को देख के फिल्म में, मतलब उनकी वो क्या उनको क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा लोग एक्टर की परफॉर्मेंस वो है कि जो उसे पसंद नहीं भी करते वो ऑडियंस भी कहें कि यार वाह इसमें क्या परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल असल में वही परफॉर्मेंस होती है एक्ट्रेस और आलिया भट्ट को जो लोग नहीं भी पसंद करते ना वो भी उनकी फिल्म्स देख के कहते हैं कि यार ये अच्छी एक्ट्रेस है, ये शी इज रिजर्वड और इसमें ये नहीं है कि ये नेपो किड है तो ये ऐसी आ गई, नहीं इनमें वाकई टैलेंट है। तो देखना ये क्योंकि अभी कुछ आलिया भट्ट के हेटर्स में हैं जो कि उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये बहुत छोटी हैं और इनको इस तरह का रोल ऑफर नहीं होना चाहिए था और सिर्फ इनको इसलिए ऑफर हुआ है क्योंकि ये आजकल बहुत चल रही हैं और डायरेक्टर ने सिर्फ ये सोच के इनको दे दिया और सीनियर लोगों को इसलिए नहीं दिया क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे देखने और ज़्यादातर उनकी जो है ना वो ब्रांडिंग प्रमोशन इतनी नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से क्योंकि वो आलिया भट्ट आजकल ब्रांड फेस हैं तो उनको इसलिए फिल्म दी गई है, इसलिए फिल्म ऑफर हुई है, वो नए फ्रेश फेस हैं, लोग बहुत क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। मुझे नहीं लगता कि ये गलत चॉइस है, ये बिल्कुल ठीक भी, मतलब मैं मानती हूँ ऑल्दो कि विद्या बालन वगैरह बहुत सीनियर एक्टर्स हैं और उनपे दे डिजर्व इट और उनको देना चाहिए था रोल, बट अगर इनको भी दे दिया तो इन्होंने रुइन नहीं किया है और ऑब्वियसली इसमें आलिया भट्ट की गलती नहीं है, किसी अगर एक्टर को कोई काम मिलेगा तो वो खुद से मना नहीं करेगा या वो खुद से ये नहीं कहेगा कि उसको दे दो मैं नहीं कर रही, ऑब्वियसली शी डिजर्व इट और अगर उसको मिल गया तो उन्होंने उसको पूरी तरीके से, हाँ अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो हम कहते हैं कि नहीं इनको गलत दे दिया, लिटरली मैंने ऐसे लोग देखे हैं दे डोंट लाइक आलिया भट्ट और उसके बाद जब उन्होंने उस टीजर को देखा, उस ट्रेलर को देखा है एंड दे एडमिट के आलिया भट्ट ने जो परफॉर्मेंस उसके अंदर ओवरऑल दे रखी है,
मतलब वो पहले ये कह रहे थे कि नहीं हमें नहीं, मतलब इतनी ज्यादा और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट जब उन्होंने वो परफॉर्मेंस देखी है सो दे आर लाइक कि आलिया भट हमेशा ऐसी फिल्में ऐसी उठाती हैं, ऐसे रोल उठाती हैं जिसमें उनको एक्टिंग चैलेंज मिले, मार्जिन मिले और वो कुछ नया हो। जैसे आप देखो हाईवे में उनका डिफरेंट रोल था, उनका उड़ता पंजाब में उनका ऐसा इतना इंटेंस रोल था, अगर आप देखो आप गली बॉय में देखो उनका बिल्कुल अलग ही रोल था। तो बहुत अलग अलग रोल और बहुत इंटेंस रोल उन्होंने किए हैं और खुद को साबित किया कि वो छोटी जरूर है पर उनमें एक्टिंग का प्रॉपर एक सीन है भाई। लेट्स सी कि जब अजय देवगन एंड आलिया भट बिल्कुल एक फिल्म रिलीज होती है और कॉम्बो कैसा आती है, तो लेट्स सी लोगों का क्या रिएक्शन और क्या होने वाला है। और अजय देवगन जो है वो ओवरऑल इस ट्रेलर में बहुत, इस सीजन में बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अमेज लग रहे हैं। वी रियली रियली एंजॉयड हिज परफॉर्मेंस and this trailer or either teaser. So that's it for today. Milenge next video mein, tab tak ke liye. Allah.